हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं हूं आनंद बिहार ISBT और यहां से चलेंगे दोस्तों गाजियाबाद के लिए। तो दिखाते हुए चलेंगे कि किस रूट पे चल रहा है और दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है। आनंद बिहार की अपडेट तो आपने पिछली वीडियो में देखी थी, इस वीडियो में आप सभी को देखने के लिए मिलेगी अंडरग्राउंड टनल। वो वैशाली मेट्रो स्टेशन है ब्लू लाइन का, उसके सामने जाके निकलती है आनंद बिहार से दोस्तों। तो भाई आप लोगों को दिखाने वाले हैं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा दे रहे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आप सभी को बता दो, देखो ये है आनंद बिहार। अब मेरे राइट हैंड वाला है आनंद बिहार यानी कि दिल्ली, और मेरे राइट हैंड वाला है दोस्तों उत्तर प्रदेश कौशाम्बी बस स्टैंड। इन दोनों बीच में भाई साहब इस रोड का बहुत ही अहम जरिया है दोस्तों कहीं पर भी जाने के लिए, क्योंकि ये सीमापुरी बॉर्डर से लेकर और NH 24 पर जाके कनेक्ट हो जाती है, और बीच में ये आ जाता है दोस्तों कौशाम्बी और आनंद बिहार। और आप सभी को एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि ये ISBT आनंद बिहार है दोस्तों। यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन भी है, बस अड्डा भी है, दो बस अड्डा हैं दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश का है दूसरा दिल्ली का है, अंतर्राज्य बस अड्डा है। तो यहाँ से पूरे उत्तर भारत में दोस्तों बसेस जाती है, ट्रेन जाती है दोस्तों। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये एरिया और यहाँ पर भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप लोग जहाँ के भी रहने वाले और जहाँ भी आप सभी को जाना है तो आप आनंद बिहार आओ। आनंद बिहार से कहीं की भी आपको बस मिल जाएगी, कहीं की भी आप सभी को ट्रेन मिल जाएगी, तो आप आ सकते हो। तो इसी को आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छी तरीके से। यह है पैसिफिक मॉल, इसके बगल में ही, जहाँ यहाँ पब्लिक का जमावड़ा लगा ही रहता है, क्योंकि जो जाने वाले हैं वो भी आते हैं इस मॉल में और जो घूमने फिरने वाले हैं वो तो आते ही आते हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा मॉल है, पहले मैं भी जाया करता था लेकिन अब कम कर दिया जाना, और जब जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे भी कि किस तरीके का यहाँ पर पैसिफिक मॉल है, क्या क्या है, सब कुछ मैंने वीडियोस बनाए हैं पुराने, पड़ा होगा, नहीं देखा है तो आप लोग देखना चैनल पर जाकर। और ये आ चुका है कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन, जो कि ये वैशाली में जाके एंड हो जाती है मेट्रो दोस्तों। देखो दोस्तों, जो RRTS है वो यहाँ आके निकलेगी वैशाली मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन के सामने। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं दोस्तों RRTS के, दिल्ली मेरठ RRTS। देखो आप चलते हैं और इसका अंडरग्राउंड हिस्सा दिखाते हैं कि इस पर क्या कुछ वर्क अभी किया जा रहा है। चलो चलते भाई, दिखाते चल के आप सभी को ऊपर से। तो देखो ट्रैक तो ये रखे हुए हैं, ट्रैक स्लैब हैं जो वो रखे हुए हैं दोस्तों, ऊपर मिट्टी भी डाल दी है ट्रैक के ऊपर। तो देखो ये यहाँ से चमकेगा, तो हम चलेंगे इस फुट ओवर ब्रिज के ऊपर और तब आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। चलेंगे इसके ऊपर फिर आप लोगों को दिखाते हैं चल के, ठीक है, तब पता चलेगा अच्छे से कि क्या है। देखो दोस्तों ये है जिस पर ट्रैक स्लैब बिछा के ट्रैक भी बिछा दिए जा चुके हैं। देखो दोस्तों ये है जिस पर ट्रैक स्लैब बिछा के ट्रैक भी बिछा दिए जा चुके हैं, इस पर अभी ओवरहेड इक्विपमेंट लगाने का काम किया जा रहा है। देखो ये रहे इशारे में लग गए हैं, ट्रैक बिछाने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। और इस पर इलेक्ट्रिसिटी अभी बिछानी बाकी रह गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी का ही काम रह गया। और देखो वो
स्लैब रखे हुए हैं, ये देखो ये सारे में ही जो ट्रैक स्लैब हैं वो रखे हुए हैं। तो ये यहाँ से वैशाली के सामने से ये है वैशाली मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन, दोस्तों देख सकते हो ये रोड निकल लिया यहाँ से, ठीक है ये रोड निकल ली और आप लोग देख सकते हो यहाँ से ये अब दोस्तों ऊपर हो जाएगी। देखो दो लाइनें हैं दोस्तों, एक देखो इधर चली जाती है एक उधर चली जाती है, देख सकते हो आप लोग किस तरीके से है, देख सकते हो ये देखो देख लिया आपने वो गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें सारा काम होता है। तो यही काम था, आप लोग देख लो चलते हैं साहिबाबाद, बस साहिबाबाद से चलेंगे दोस्तों गाजियाबाद में भी दिखाएंगे चल के कि गाजियाबाद में क्या कुछ काम चल रहा है अभी इस टाइम। तो इधर से सारा ट्रैक बिछा दिया जा चुका है दोस्तों, इस पर ओवर हेड इक्विपमेंट लगा दिए जा चुके हैं, देखो ओवर हेड का काम हो गया, अब OHE वायर का काम किया जाएगा। तो उधर तो देखो खंभे लगाए जा रहे हैं, देखो वो खंभे लगा दिए, तो यही काम है दोस्तों ज़्यादा तो कुछ नहीं है, देखो यही है चलते हैं। ये आ चुका है साहिबाबाद RRTS का स्टेशन जिस पे कि ये ऑपरेशनल हो चुका है और इस पे अब गाड़ियां दौड़ती हैं दोस्तों डेली। देखो वो आ रही है वहां से RRTS, देख सकते हो वो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, ज़्यादा तो नहीं दे रहा होगा थोड़ा बहुत ही दे रहा होगा। देखो ये दोनों एंट्री एग्जिट पॉइंट है, इस पर 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं दोस्तों। चलो दूर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे, ट्रैक पे आ चुकी है ये, यहाँ पर लग गई अब तो नहीं देगा दिखाई, हाँ ये आ रही है ये आ रही है, ये देखो दोस्तों ये आ रही है RRTS की ट्रेन, देखो आप सभी देखा आप सभी ने,
और यहाँ से दोस्तों ये कर्व ले लेती है राइट में, देखो आप सभी ये इसने कर्व ले लिया है राइट हैंड पे और ये सीधी अब गाजियाबाद जाके निकलेगी। तो चलो वहीं चलते हैं और आप लोगों को। और दोस्तों ये आ चुके हैं हम मोहन नगर, और मोहन नगर पे भी आप लोगों को बता दूं कि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन रहता है यहाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ ये चौराहा है, एक तो जाता है आनंद विहार के लिए, दूसरा इधर लौनी के लिए चला जाता है, और तीसरा सीमापुरी बॉर्डर के लिए चला जाता है, और मेरे राइट हैंड पर दोस्तों ये गाजियाबाद के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर देखो फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं, वो तो पहले ही बना लिया जा चुका था, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं जाम को रोकने के लिए, पर जाम से छुटकारा फिर भी नहीं मिलता यहाँ। देखो ऐसा है कुछ मोहर नगर, देख सकते हो जिस पे कि यहाँ पर ये मॉल बनाया गया है, ये है दोस्तों मोहन नगर, देख लो आप सभी कैसा बना हुआ है। ये राजेंद्र नगर होते हुए ये सीधा निकल जाता है सीमापुरी बॉर्डर के लिए, यानी कि दिलसाद गार्डन के लिए दोस्तों, और ये है दोस्तों रेड लाइन, और ये हमारे गाजियाबाद के शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन बनाया गया, लास्ट मेट्रो स्टेशन है गाजियाबाद का, यानी कि न्यू बस अड्डा, और वहीं पर RRTS की स्टेशन भी है दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये है कुछ मोहन नगर ऐसा, सिटी सेंटर गाजियाबाद, ये सिटी सेंटर ठीक है, ये फुट ओवर ब्रिज है, और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो लेफ्ट हैंड पे मोहन नगर मेट्रो स्टेशन है रेड लाइन का दोस्तों, वो भी आप लोग देख लो, क्योंकि यहाँ पर ये बसें खड़ी होती हैं जो कि आप लोगों को यहाँ से बस मिल जाएगी, कहाँ के लिए, उत्तराखंड के लिए। देखो ये है मेट्रो स्टेशन रेड लाइन मोहन नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया दोस्तों, और यहीं से चला जाता है कहाँ के लिए, लौनी के लिए दोस्तों। यहाँ से देखो स्टार्ट हो जाता है ये गाजियाबाद RRTS का स्टेशन, जो कि बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बस इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट बचे हुए थे बनने के लिए, और ये देखो ये फुट ओवर ब्रिज भी बनाए गए हैं वॉकवे, एक तो ये है देखो यहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट जो कि बंद चालू, हाँ चालू हो चुका है, चालू कर दिया, देखो सारा काम हो चुका है कंप्लीट, तो ये बचा हुआ था बनने के लिए जो कि बन गया अब। ये फुट ओवर ब्रिज है दोस्तों, चलते हैं आगे देखते चल के, अभी इतनी ज्यादा तो बरसात नहीं हुई है, अभी इस पे फाइनल लेयर का काम किया जाएगा, अच्छा अभी इस पे पड़ेगा, ब्लैक टॉप होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है सही से। एक एंट्री एग्जिट पॉइंट ये है दोस्तों, ये भी मुझे लग रहा है चालू हो चुका है, ये दो एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं जो चालू हो चुके हैं, और अभी दो बचे हुए हैं जिस पे काम चल रहा है अभी। देखो ये काम चल रहा है, देखो ये इस यहाँ पर जोड़ा जाएगा इस वॉकवे को, यहाँ पर देखो ये सेटिंग लग रही है दोस्तों, देखो ये सामने जोड़ा जाएगा, ये भी स्टेशन बन के, ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बन के कम्प्लीट हो गया दोस्तों, बस इस पर फुट ओवर ब्रिज अब जोड़ना का काम किया जाएगा, वो नहीं जोड़ा है अभी, और एक जो फुट ओवर ब्रिज को रेड लाइन से जोड़ेगा दोस्तों उसका भी अभी काम, बस ये दो ही पिलर बने हैं, पिछली बार भी जब आया था तब भी ये दो ही पिलर थे, देखो कुछ ऐसा है ये, अब आप लोग देख सकते हो अभी इसको जोड़ा जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड में देख सकते हो ये सारा फाउंडेशन बन चुका है, मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को दिखाया है, देखो ये है कुछ ऐसा, देखो ये बनाया जा रहा, और ये आ जाता है दोस्तों रेड लाइन मेट्रो स्टेशन शहीद स्थल न्यू बस अड्डा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया।
देखो सारे में ही मतलब कि फाउंडेशन का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बस इनको ऊपर बढ़ाना है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय आप सभी।